हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बिल्कुल ही नई सीरीज़। एक्चुअली अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, ड्रैग रेस किए हैं, रिव्यूज़ किए हैं और माइलेज टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है। बट अब हम करने वाले हैं ब्रेकिंग टेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है मतलब अगर सेफ्टी फीचर को हम लोग लेके कोई चीज़ें नहीं बनाते हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा है भाई वीडियोस बनाने का। तो सेफ्टी में सबसे पहले आते हैं ब्रेक्स आपके। अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक्स अच्छे काम कर रहे हैं, आपको ये पता है कि हाँ ब्रेक करने के बाद आपकी गाड़ी कितने दूर में स्टॉप हो जा रही है, कैसे ब्रेक करने पे स्टॉप गाड़ी जल्दी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें करने से बाइक में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी अनहोनियाँ जो हैं उसको हम टाल सकते हैं। तो इसलिए मैं ब्रेक टेस्ट करने आया हूँ। और सबसे पहले ब्रेक टेस्ट मैं उसी गाड़ी के करने वाला हूँ जिसने मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया था। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तो आप लोग का है जो फैमिली की तरह मुझे सपोर्ट करते जा रहे हो, मेरे वीडियोस को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो। तो आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और मेरे सामने है राइडर जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ इस समय, ये देखिए। इसको रेडर बोलते हैं एक्चुअली, राइडर राइडर अब तो आदत सी हो गई है राइडर बोलने की, पर यह है रेडर TVS की 125 CC। और मैं करता हूँ इसका ब्रेक टेस्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको 60 की रफ्तार में, क्योंकि नॉर्मल 60 की रफ्तार में ही लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं। तो 60 की रफ्तार में मैं इसको चलाऊँगा और ब्रेक मारूँगा और देखूँगा कि ये गाड़ी कितनी देर में स्टॉप होती है। तो ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ 60 की रफ्तार में, ये देखिए। हाँ, ये 60 की रफ्तार में गाड़ी चल रही है। तो ये है, तो यहाँ पे गाड़ी आके रुकी है। आप देख लेते हैं 60 की रफ्तार में कितना टाइम लगा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे ये लाइन पूरी बन चुकी है, बहुत ही तेज ब्रेक मारे मैंने। तो ये गाड़ी है और वो आपका डिस्टेंस है। तो एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो अप्रॉक्स 23 फीट के आसपास गाड़ी जाके रुकी है, क्योंकि लगभग 1 फीट का रहता है ये। तो ये है आपका राइडर। तो आप देखो कि कितना मतलब 60 की रफ्तार में भी कितनी दूर जाके गाड़ी रुक रही है। इसमें आपके ABS नहीं है, सिर्फ आगे आपके डिस्क है, पीछे आपके ड्रम ब्रेक हैं। तो अब इसको एक बार मैं और ज़्यादा स्पीड में लेके आता हूँ, 80 की रफ्तार पे चला के देखता हूँ कि अगर मैं 80 पे चला रहा हूँ तो कितने पर जाके गाड़ी रुकती है। यहाँ है, यहाँ से हम चलाएंगे 80 की रफ्तार पे। तो ये है गाड़ी आपकी। और आप देखो कितना लंबा ट्रेल बन गया है। तो यहाँ से अब मैं नापना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो भाई साहब 40 स्टेप पे जाके गाड़ी रुकी है। और आप देख रहे हो कि पिछली बार से कितना ज़्यादा अंतर आ गया, कितनी दूर दिख रही है गाड़ी। तो अगर आप 80 की रफ्तार पे भी चला रहे हो
तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इस गाड़ी को मतलब तेज़ चलाने में। तो ये भाई गाड़ियाँ बिल्कुल भी तेज़ चलाने के लिए नहीं होती। 60 पे तो फिर भी आपकी हाँ थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ थी कि आप बच जाओगे, बट 80 के ऊपर देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे आपकी 60 वाली जो पॉइंट थी वो ख़त्म हुई है, वो आपकी लाइन वहाँ पे, और यहाँ से आपकी 80 पे कितनी ज़्यादा आगे जाए, लगभग लगभग मिड में ही है ये। तो ये था आपका व्लॉग, और अगर आपको किसी और बाइक के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे व्लॉग पे आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि कौन सी बाइक पे मैं कौन कौन कैसे नए वीडियोस ला सकता हूँ, किस बाइक का नेक्स्ट ब्रेकिंग टेस्ट करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, उसको आप जाके फॉलो कीजिए, जुड़िए मेरे साथ, बातें कीजिए, बताइए मुझे कुछ वीडियोज़ में क्या मेरी कमियाँ हैं, उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। इसी के साथ व्लॉग को खत्म करता हूँ। दिस इज़ राम, सोलो ट्रैवलर, साइनिंग ऑफ।